दोस्त के साथ नेपाल से शराब पीकर लौट रहा युवक नदी में डूबा। मोटरसाइकिल चलाइल के नहीं चलली ओकरा बुते कि नहीं हाँ। तो गोरे गोरे चल गेल कोनी छले चल गेल। मामला मधुबनी जिले के शहरघाट थाना क्षेत्र का है, जहां भारत नेपाल सीमा से गुजरने वाली धौंस नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दो युवक भारतीय सीमा क्षेत्र में बाइक खड़ी कर नेपाल शराब पीने गया हुआ था, जहां से दोनों नशे में टल्ली होकर वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में एक युवक का पांव नाव से फिसल गया और वह गहरी नदी में समा गया। वही साथी युवक को डूबता देख मौके से उसका दोस्त बाइक छोड़ फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक अपने साथ बाइक ले जाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन नशे की हालत में होने के कारण वह बाइक नहीं ले जा सका और वहीं बाइक चोर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे रोते बिलखते भागते हुए देखा। इधर मामले की खबर इलाके में फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले की सूचना शहरघाट थाना को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पानी में डूबे हुए युवक की खोजबीन शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद सबको बाहर निकाला गया। शव को नदी से बाहर निकालने के कई घंटे बाद तक सबकी पहचान नहीं हो सकी है। सबकी पहचान को लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। वहीं युवक के नदी में डूबने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए इस बाबत स्थानीय लोग क्या कुछ बता रहे हैं। डूबे के कारण की है, डूबे के कारण पानी यहाँ पर ज्यादा है, वही के ले लो हेल्प नहीं पी डूब जाए है। कते दारू पी के अभी नेपाल से वो डूब जाए है। अच्छा बगल में सामने नेपाल है। हाँ अच्छा आ वही दुकान है। दुकान कते दूर है? दुकान ये लमसम 10 कदम मतलब आधा किलोमीटर के अंदर ही। नहीं नहीं 10 कदम वो है भट्टी। अच्छा वो है भट्टी है। हाँ वो ये गेल पी के आल आ या डूब जाए है। हाँ हम 2-3 घंटा के बाद अली तो सब लोग कहल कि यहाँ ना ऊपर रहले, ऊपर से 2 आदमी रहले, वो एक आदमी नीचा गेले, वो ओकरा साथे वो गेले, ई डूब गेले तो भाई गेले। वो भाई गेले बाइक लेकर? बाइक से रहे बाइक छोड़ दिल क्या? बाइक नहीं भाई गेले। हमने आए तो हमको पता चला SDRF का टीम आ रहा है जी, लेकिन इनमें हम विलम्ब देखे तो हमने राजस्व सर अधिकारी राजस्व कर्मचारी जो है सूरज सर उनके आदेश लेके हमने पानी में डुबकी लगाना चालू किए। धार के बीच धार में जाकर हमको लाख में ठेका। जब हम कितना मशक्कत करना पड़ा? बहुत हद से ज्यादा करना पड़ा। कितना टाइम लगा? लगभग लगभग आधा पौन घंटा लगा। आधा पौन घंटा लगा? आधा पौन घंटा। आप कब रेस्क्यू चालू किए थे? लगभग मान कर चलिए 12 बजे 12 बजे किए थे। तो आपको 1.5 घंटा में मिल गया है जी। तो आपका परिचय? मैं आपदा मित्र संजय कुमार यादव, अंचल मधवापुर, जिला मधुबनी, बिहार का हूँ। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहाँ कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहाँ से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।